छोड़िए ना उन लोग, वो भी है बहुत भारी भारी क्रांतिकारी और जो काफी क्रांतिकारी का लोग हैं उनके बारे में हमको कुछ नहीं। सर ऐसा है, रामचरितमानस ग्रंथ को लेकर बिहार की राजनीतिक सरगर्मी गर्म हो गई है, लगातार विपक्ष में बैठी सवाल खड़ा कर रही है। तो वहीं देखा जाए तो महागठबंधन दल के जदयू के नेता जो है वो लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से जब यह सवाल किया गया शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर, तो ललन सिंह ने यह साफ कहा है कि जनता दल यूनाइटेड सभी धर्मों का जो है सम्मान करती है, तो वहीं सभी धर्मों को मानती है। उन्होंने आगे यह कहा है कि जनता दल यूनाइटेड लगातार मजबूत हो रहा है, तो वहीं आगे चलकर जो है जनता दल यूनाइटेड जो है काफी आगे जाएगा। तो वहीं ललन सिंह ने आगे चिराग पासवान के सवाल पर यह साफ कह रहे हैं कि जिस तरीके से चिराग पासवान सवाल खड़ा कर रहे हैं वो एक भारी क्रांतिकारी हो गए हैं, इस पर कुछ भी बोलना मैं सही नहीं समझता, वो कुछ भी बोलते रहते हैं। तो बता दें आपको कि ललन सिंह ने सीधा सीधा चिराग पासवान को आरे हाथों लिया है। तो वहीं देखा जाए तो इशारों में राजद पे भी उन्होंने तंज कसा है। वहीं क्या कुछ कह रहे हैं ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो सुने आप। कार्यकर्ताओं का फौज खड़ा हो रहा है, देखिए ये राष्ट्रीय कल बता चुके हैं, एक ही सवाल को रोज रोज पूछने का कोई मतलब नहीं होता है। ये कल हमने विस्तार से बता दिया कि जनता दल यूनाइटेड सभी धर्मों का सम्मान करती है, जनता दल यूनाइटेड सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करती है, जनता दल यूनाइटेड सभी धर्म के मानने वाले लोगों का सम्मान करती है, और यह राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है। राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व सक्षम है इस पर संज्ञान लेने के लिए और जो उचित हो वो करने के लिए। अरे आरजेडी का हमको नहीं कहना है ना, आरजेडी को कहना, हम अपनी बात ना बताएंगे। चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार फिर पंचायत में हैं। छोड़िए ना उन लोग, वो भी है बहुत भारी भारी क्रांतिकारी और जो काफी क्रांतिकारी का लोग हैं उनके बारे में हमको कुछ नहीं। सर ऐसा है, उपेंद्र कुशवाहा निराश फील कर रहे हैं जेडीयू में, क्योंकि उन्होंने कहा पवेलियन की भूमिका में। पता नहीं आपसे वो बोले होंगे, हमसे तो बराबर बात होती है। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, जिस तरीके से बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बीते दिनों रामचरितमानस ग्रंथ को लेकर यह साफ कहा था कि जो रामचरितमानस ग्रंथ है वो नफरत फैलाता है, नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। इसके बाद ललन सिंह ने यह साफ कहा है कि इस पर जो है मैं जो भी प्रतिक्रिया दे रहा हूं, देखा जाए तो रामचरितमानस ग्रंथ जो है उसका हम सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं, तो वहीं सभी धर्म को हम मानते हैं। ललन सिंह ने चिराग पासवान को आरे हाथों लेते हुए यह साफ कहा है कि वह एक भारी क्रांतिकारी है तरीके, इसलिए वो बयान दे रहे हैं। तो वहीं ललन सिंह ने यह साफ कहा है कि जो आधार है, जनाधार है जदयू का, काफी अच्छा हो रहा है, तो वहीं जदयू आने वाले दिनों में परचम लहराएगा पूरे देश में। क्या कुछ कह रहे थे ललन सिंह, आपने सुना। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।